अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू स्टार है फिल्म पिंक में अहम किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कीर्ति कुलहरी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान अभी तक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और शबाना आजमी जैसे बड़े स्टार्स को मिला है। दादा फाल्के अवार्ड के बारे में जान कीर्ति कुलहरी फूली नहीं समा रही है। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, मैं तहे दिल से दर्शकों की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पिंक को इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया। मेरा मानना है कि पिंक एक यूनिवर्सल फिल्म है। ये फिल्म काफी प्रासंगिक थी और हमेशा रहेगी, और इस तरह की फिल्म जब अच्छा प्रदर्शन करती है तो एक एक्टर के तौर पर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं दादा साहेब फाल्के टीम का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मेरे अंदर छिपे कलाकार को पहचाना और उसको सम्मानित करने का फैसला किया है। साथ ही मुझे हमेशा इस बात का भी गर्व रहेगा कि मैं पिंक जैसी फिल्म का हिस्सा रही। बता दें कि फिल्म पिंक ने उन सवालों को उठाया जिनके आधार पर लड़कियों के चरित्र के बारे में बात की जाती है। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही थी। 31 वर्षीय कीर्ति कुलहरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2010 में आई फिल्म खिचड़ी से की, लेकिन उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। हालांकि इसके बाद कुछ और फिल्मों में कीर्ति कुलहरी ने अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाया, लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्में भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन पिंक ने कीर्ति कुलहरी को वो नाम और शोहरत दी जिसके वो हकदार हैं। इस फिल्म के बाद कीर्ति कुलहरी के बाद फिल्मों की लाइन ही लग गई और अब जल्द ही वो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार में नजर आएंगी।